आज आज का वीडियो नवरात्री स्पेशल वीडियो है के में आपको मैं एक लहंगा चोली का पैटर्न डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी जो मैंने अपने लिए डिजाइन किया और फिर मेरी एक क्लाइंट है तो उन्हें वो लहंगे का कॉन्सेप्ट और डिजाइन बहुत अच्छी लगी तो मैंने सेम टू तो सेम लहंगा उनके लिए भी डिजाइन किया Uh, ये लहंगा बहुत ही प्रिटी और कलरफुल है और बहुत इजी गोइंग एंड लाइटवेट लहंगा है इसके फैब्रिक की डिटेल्स और डिजाइन की डिटेल्स मैं एक्सप्लेन करूंगी और एक सरप्राइजिंग ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे लहंगे को बिना कैन कैन लगाए हम फ्लेरी एंड बाउंसी लुक दे सकते हैं uh, ये लहंगा सुपर कंफर्टेबल है और क्योंकि इसमें मैंने कैनकेन नहीं लगाया है और इसकी फैब्रिक की वजह से भी ये लाइटवेट है तो चलिए इस लहंगे की डिटेल्स हम देखते हैं और एंड में आप स्टाइलिंग जरूर देखना सो so फ्रेंड्स ये है वो लहंगा इसका फ्लेयर आपको दिखाने के लिए मैंने इस तरह से इसका प्रेजेंटेशन सेट किया है तो है ना काफी घेर इसका ये लहंगा चोली पूरा कॉटन फैब्रिक का बनाया है मैंने लहंगा चोली और दुपट्टा सब कॉटन फैब्रिक का है इस लहंगे का मेन पार्ट रोज पिंक कलर के मल कॉटन फैब्रिक का है मल कॉटन काफी सॉफ्ट फैब्रिक होता है पर शिफॉन जॉर्जेट जैसा पतला नहीं होता थोड़ा थिक होता है तो कॉटन की वजह से अपने आप बाउंस आता है ये मैंने छह मीटर लिया है इसे अम्ब्रेला कट में बनाया है नेक्स्ट ये फ्लोरल प्रिंट का कॉटन फैब्रिक लगाया है और ये मैंने तीन मीटर लिया है और लगभग आठ इंच की पट्टी लगाई है इसकी इसे मैंने लहंगे और दुपट्टे दोनों में यूज किया है फिर लहंगे के बॉटम में फूशिया पिंक कलर का कॉटन सिल्क का फैब्रिक लगाया है और ये मैंने दो मीटर लिया है और चार इंच की पट्टी लगाई है इसकी लहंगा मुझे लाइट वेट रखना था और साथ में एक फ्रेश कलरफुल लुक भी चाहिए था इसलिए सिर्फ कॉटन फैब्रिक्स ही यूज़ किए और बिना एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक यूज़ किया इसीलिए प्रिंटेड फैब्रिक बेस्ट ऑल्टरनेटिव है अब बात करते हैं उस सरप्राइज ट्रिक की जिसका मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था इस लहंगे में मैंने कैन कैन नहीं लगाया है और फिर भी बहुत फ्लेरी और बाउन्सी है ये तो सबसे पहले तो कॉटन फैब्रिक की वजह से लहंगा बाउंसी बना है और क्वांटिटी मैंने ज़्यादा ली है इसीलिए काफ़ी फ्लेरी बना है और ज़्यादा फ्लेरी लहंगा होता है तो थोड़ा उससे भी बाउंस आता है अब सेकंड और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक ये है कि लहंगे के बॉटम में मैंने कॉटन सिल्क फैब्रिक लगाया है और कॉटन सिल्क के अंदर फ्यूजिंग मटेरियल लगाया है तो इसकी वजह से लहंगे के बॉटम में थोड़ा भारीपन आ गया है और इसका फ्लेयर बाउंसी हो गया है लहंगे के नीचे मैंने थोड़े बेटर क्वालिटी के कॉटन की लाइनिंग लगाई है और वो मैंने चार मीटर ली है कॉटन लाइनिंग लगाने से भी लहंगा थोड़ा फूला फूला रहता है वेस्ट मैंने स्ट्रिंग वाली बनाई है ताकि फ्लेक्सिबल रहे जितना टाइट लूज करना है कर सकते हैं कंसील चेन है साइड में और प्री से कलरफुल टैसल्स लगाए हैं ये टेसल्स मैंने परमानेंटली स्टिच नहीं किए हैं क्योंकि कभी कभी मुझे बिना टैसल्स वाला लुक भी अच्छा लगता है तो जब मुझे चाहिए होते हैं मैं बस उन्हें स्ट्रिंग से टाई कर लेती हूँ इस लहंगे के साथ मैंने क्रॉप टॉप पैटर्न की चोली बनाई है और ये भी कॉटन मटेरियल की है ये कॉटन में थ्रेड एम्ब्रॉयडर्ड वाला रेडी फैब्रिक लिया है मैंने और एक मीटर में बन गया ये टॉप फ्रंट से वी नेक है और फ्रंट ओपनिंग दी है हुक आई की फेस्टिव लुक के लिए इसमें मिरर वर्क वाली लेस लगाई है फ्रंट में बैक पूरी क्लोज्ड रखी है जैसे मैंने कहा मैंने इसे टॉप की तरह बनाया है तो बहुत हल्का सा राउंड नेक दिया है बैक में और इसीलिए इस चोली को पैडेड नहीं बनाया है क्योंकि बैक पूरी क्लोज्ड है ऑल ओवर पिंक कॉटन सिल्क फैब्रिक की पाइपिंग दी है स्लीव्स में भी पाइपिंग दी है और कैप स्लीव्स रखी है इसकी तो ये भी बहुत कंफर्टेबल चोली बनी है और कलरफुल होने की वजह से इसे आप और भी साड़ीज या स्कर्ट्स के साथ पैर कर सकते हो इसका दुपट्टा थोड़ा डार्क पिंक शेड का कॉटन मल फैब्रिक का बनाया है और ये ढाई मीटर का दुपट्टा है दुपट्टे के दोनों हॉरिजॉन्टल एंड्स पर इस तरह से ब्लू एंड येलो प्रिंटेड फैब्रिक की पट्टियां लगाई है और इन्हीं से छोटे छोटे फैब्रिक के टैसल्स बनाए हैं लहंगे पर जो प्रिंटेड फैब्रिक लगाया था उसी की पट्टी दुपट्टे पर चारों तरफ लगाई है और ये सब पट्टियां मैंने सिर्फ फ्रंट साइड में लगाई है बैक में नहीं लगाई है ये दुपट्टा भी बहुत कलरफुल और प्रिटी बना है कि इसे भी और भी आउटफिट्स पर यूज कर सकते हैं दिस लहंगा चोली इज लुकिंग सो गॉर्जियस और इसे न सिर्फ नवरात्रि इवेंट पर पहन सकते हैं पर वेडिंग्स में हल्दी सगाई मेहंदी जैसे डे इवेंट्स के लिए भी परफेक्ट है सिंस नवरात्रि स्पेशल वीडियो है तो मैंने इस आउटफिट के साथ ऑक्सीडाइज्ड थिन चोकर नेक पीस पहना ईयर मैंने बड़ी साइज की पहनी ऑक्सीडाइज्ड और कलरफुल बैंगल्स को मिक्स मैच करके पहना और ऑक्सीडाइज्ड स्टेटमेंट रिंग्स के साथ लुक कंप्लीट किया This is my client. Client के लिए दुपट्टा डिफरेंट रखा है सो फोक्स होप आपको यह आउटफिट पसंद आया डू लेट मी नो इन कमेंट बबाई सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो